फिरता। एक पुरानी कहावत है सेना की, और ये बात कई लोगों ने लिखी भी है। प्रसंग है भारत के पहले फील्ड मार्शल से जुड़ा हुआ। बात है, अगर कोई शख्स कहता है कि वो मरने से नहीं डरता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गोरखा है। ये बात भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ अक्सर कहा करते थे। सैम मानेकशॉ की इस कहावत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक गोरखा क्या है और कितने निडर। तो आज हम अपनी इस रिपोर्ट में गोरखा सैनिकों की बात करेंगे। गोरखा रेजिमेंट की स्थापना 24 अप्रैल 1815 को ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट के बारे में कहा जाता है कि ये सेना की सबसे जाबाज रेजिमेंट्स में से एक है। गोरखा सिपाही किसी भी समय भीषण से भीषण और खराब हालात में लड़ने को तैयार रहते हैं। गोरखा सैनिक भारत की आजादी के समय से ब्रिटिश सेना के साथ रहे हैं, क्योंकि नेपाल के राजा और ब्रिटिश गवर्नर जनरलों के बीच एक समझौता हुआ था, और जिस समझौते के तहत नेपाल की सेना के अलावा भारत और ब्रिटेन की सेनाओं में काम करते हैं। हिमालय की घाटी में बसे नेपाल में एक जिला है गोरखा, जो आज भी अपने शूरमाओं के लिए याद किया जाता है। गोरखा किसी एक जाति के योद्धा नहीं, बल्कि उन्हें पहाड़ों में रहने वाले सुनवार, गुरंग, राय, मागर और लिंबू आदि जातियों से सेना में भर्ती किया जाता है, और इन जातियों के पूरे समूह को गोरखा कहा जाता है। गोरखाओं को ब्रिटिश सरकार ने मार्शल रेस की उपाधि दी थी। ब्रिटिश सरकार का मानना था कि गोरखा प्राकृतिक रूप से ही योद्धा होते हैं और युद्ध में आक्रामक होते हैं। गोरखाओं का शरीर मजबूत, फुर्तीले, सुव्यवस्थित, आत्मनिर्भरता से परिपूर्ण, वफादारी और साहस के गुण से परिपूर्ण होता है। गोरखा लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने वाले जिद्दी लड़ाकू सैन्य रणनीति के रणनीतिकार होते हैं। 12 इंच लंबा नुकीला धारदार हथियार खुखरी और तिरछा हेडगियर उनकी पहचान है, या यूं कहें कि उनकी यूनिफॉर्म का हिस्सा है। नेपाल में सभी पहाड़ी खुखरी को अपने निजी हथियार के रूप में भी अपने साथ रखते हैं। गोरखा रेजिमेंट का रेजिमेंटल चिन्ह भी खुखरी ही है। गोरखाओं का जय महाकाली, आयो गोरखाली युद्धनाद और कायर हुनु भंदा मरनु रामरो, यानी कि कायर होने से तो मरना अच्छा है के नारे के साथ जीते हैं। गोरखाओं के बारे में कहा जाता है कि जब गोरखा अपनी खुखरी निकाल लेता है, तो वो दुश्मन का खून बहाए बिना मयान में नहीं जाती। जरूरत पड़ने पर ये दुश्मन के लिए सेना के सबसे खूंखार सैनिक भी बन जाते हैं। गोरखा सैनिकों का ब्रिटिश के साथ पहला संपर्क 1814 से 16 में तब हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। हालांकि इस लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई, लेकिन गोरखा जवानों ने उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। एक ब्रिटिश सैनिक ने अपनी आत्मकथा में गोरखाओं के बारे में लिखा है कि अपने जीवन में पहले कभी मैंने इतना जीवट और साहस नहीं देखा था। वो भागते नहीं थे, उनके आसपास उनके साथी मरे पड़े थे, लेकिन मौत से उन्हें जैसे डर ही नहीं था। भारत के लिए भी गोरखा जवानों ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ हुई सभी लड़ाइयों में शत्रु के सामने अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया था। गोरखाओं ने युद्धों में अदम्य शौर्य दिखाते हुए अब तक 11 वीर चक्र, 2 महावीर चक्र और 3 अशोक चक्र के साथ साथ एक परमवीर चक्र हासिल किया है। गोरखा रेजिमेंट ने भारतीय सेना को 2 फील्ड मार्शल दिए हैं। एक के बारे में ऊपर जिक्र कर चुके हैं, लेकिन चलिए बहादुर गोरखा का नाम एक बार फिर बता देते हैं। नाम है सैम मानेकशॉ और दूसरे है जनरल दलबीर सिंह सुहाग। इस इकाई के परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की वीर गाथा दुनिया के लिए युद्ध इतिहास में एक मिसाल है। तो आप समझ चुके होंगे कि गोरखा है क्या और ये क्या करते हैं, और इनकी बहादुरी माँ के लिए क्या है।